नमस्कार दोस्तों, लाइफ आई टीचिंग की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं कि हमारा जो RSCET का सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर हम नेम करेक्शन किस प्रकार से करवा सकते हैं, यानी कि कोई नेम के अंदर गलती है तो उसे हम किस प्रकार से सही करवा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और बिल्कुल एंड तक देखना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइफ आई टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको RSCET से संबंधित सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम यानी कि आपको हम बताएंगे कि नेम करेक्शन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसमें कितना टाइम लगता है और इसकी फीस कितनी होती है। इन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें हैं जिन पे आपको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर अपने नेम के अंदर आप करेक्शन करवा रहे हो तो दोस्तों आप इस प्रकार से नहीं करवा सकते, जैसे कि आपका नाम सोनू है और आप वहाँ पे राजेंद्र करवा लो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उस नेम को हम सही करवा सकते हैं, पर अगर दोस्तों आपने इस प्रकार से करना है कि आपका नाम तो सोनू है और आपने राजेंद्र करवाना है तो दोस्तों आप नए ही आवेदन करें तो ही अच्छा है। ओके, सेकंड है यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट की अगर बात आती है तो जैसे कि आपका आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आदि डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे सबमिट करवाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं ये एक प्रूफ के तौर पे सबमिट करने पड़ते हैं, यानी कि RKCL को बताना होता है कि ये देखो हमारी मार्कशीट में हमारा सही नाम है पर आपने सर्टिफिकेट के अंदर हमारा नाम है वो गलत कर दिया है। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने पड़ते हैं। और हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से हमें सबमिट करने पड़ते हैं। और जो अगली बात है वो ये है कि इसके अंदर 200 रुपये का चलान होता है। अगर किसी भी विद्यार्थी को अपना नेम सही करवाना है या फिर अपनी फोटो सही करवानी है तो उसके लिए दोस्तों ओनली 200 रुपये प्रति स्टूडेंट के लगते हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि आपको RSCET का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर ओरिजिनल सबमिट करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने के बाद में आप अपने सर्टिफिकेट को करेक्शन के लिए बेच सकते हैं। तो आप सभी को पता है, अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि RSCET का जो ऑफिशियल यानी कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है, इसे आने के अंदर दोस्तों 2 से 3 महीने या फिर कभी कभी तो 6 महीने भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपना भेजना पड़ता है। ओके, इसके बाद में बात आती है दोस्तों समय की, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कितना समय लग जाता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है RKCL का जिसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें किस प्रकार से आवेदन करना पड़ता है। सबसे पहले आपने यानी कि अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फोटोकॉपी करवानी है और उन पे अपने साइन करने हैं, जैसे कि आपने मार्कशीट, आधार कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, इसके साथ आप अपना जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है या फिर पहचान पत्र होता है उसको भी अटैच कर सकते हैं, और आपका RSCET का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपने जाना है अपने RSCET ज्ञान केंद्र पर। अगर दोस्तों आपने जैसे कि फोटो चेंज करवानी है तो आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज की एक फोटो भी लेके जानी पड़ेगी। ओके, और आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना पड़ेगा जिसके अंदर आपकी फोटो लगी हो, जैसे कि आधार कार्ड, आधार कार्ड के अंदर आपकी फोटो होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने जहाँ से RSCET की है उस ज्ञान केंद्र पे जाना है। अब दोस्तों, RSCET ज्ञान केंद्र क्या करता है, वो आपके दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को स्कैन करेगा और अपने RKCL पोर्टल में अपलोड करेगा। जी हाँ दोस्तों, RKCL का एक अलग से पोर्टल होता है जो कि सिर्फ IIT ज्ञान केंद्र यानी कि जो RKCL ज्ञान केंद्र होते हैं सिर्फ वही ही ओपन कर सकते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों उसके अंदर करेक्शन के लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल किया जाएगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या कुछ करेक्शन करवाना है और आपके ये सारे डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा एक करेक्शन आईडी नंबर। इसके बाद में दोस्तों ये जो करेक्शन आईडी होती है ये दोस्तों आपको ना एक अलग से फॉर्म दिया जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपने फिल करना है उस फॉर्म को, और उसके साथ जितने आपके डॉक्यूमेंट हो गए वो सभी आपने अटैच करने हैं और उस फॉर्म पे आपको अपना करेक्शन आईडी नंबर डालना पड़ेगा। और इसके साथ दोस्तों 200 रुपये का जो चलान होता है जो कि RKCL के नाम पे कटता है वो भी दोस्तों आपने अपने ऑफलाइन फॉर्म के साथ अटैच करना है। और ध्यान रहे, ये जो आपका ऑफलाइन फॉर्म होगा इसके साथ आपने अपना RKCL का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है वो अटैच करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे होने के बाद में ये जो फॉर्म होता है ये दोस्तों RKCL के हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर आपको भेजना पड़ता है। इसका एक स्पेशल पता होता है जो कि RKCL ज्ञान के अंदर आपको बता देगा, उस पते पर आपको ये फॉर्म है ऑफलाइन भेजना पड़ता है और बस आपका काम हो जाता है। इसके अलावा बाकी जो काम होता है वो होता है दोस्तों RKCL का।
यानी कि आरकेएसएल आपके द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट को चेक करती है, उनको देखती है कि आप कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। उनको सुनिश्चित होने के बाद में वो आपका इसका रिप्लाई देती है, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसे नए तरीके से बना के देती है, यानी कि उसके अंदर जो भी बदलाव करना होता है वो सारे के सारे बदलाव करके आपके आईटीजी के ज्ञान के अंदर पर वो सर्टिफिकेट सेंड कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि इसके अंदर कितना समय लगता है आरकेएसएल को रिस्पॉन्स करने में। तो दोस्तों ये बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है आरकेएसएल का। दोस्तों करेक्शन जो फॉर्म होता है उसे भेजने में ज्यादा कुछ भी टाइम नहीं लगता, यानी कि लगभग 1-2 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया हो जाती है। हाँ, कुछ घंटों में भी हो सकती है अगर हम चाहें तो, यानी कि थोड़ा जल्दी करना हो तो ये सारा कुछ काम जल्दी हो जाता है। हमारा जो फॉर्म है वो पहुंचने के बाद में आरकेएसएल उसे रिस्पॉन्स करने में समय लगाता है कम से कम 2 से 3 महीने, और कभी कभी ये 8, 9, 10 महीने तक भी हो जाता है। यानी कि अगर आपने एक बार ये फॉर्म सबमिट कर दिया तो एक बार के लिए तो आपको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा कि हमने करेक्शन फॉर्म है वो सबमिट किया था, यानी कि इसके अंदर कम से कम 3-4 महीने तो मान के चलो, इतना टाइम तो लगता ही लगता है, जो कि आरकेएसएल का सबसे नेगेटिव पॉइंट है। तो हमें विशेष कर तो यही ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जब भी हम आरएसटीटी का फॉर्म फिल करवाते हैं तो उस समय हमें फॉर्म को 2-3 बार जांच लेना चाहिए, उसके बाद में ही दोस्तों हमें आरएसटीटी में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसको सुधारने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है आरकेएसएल की तरफ से। ओके दोस्तों, तो ये थी इसकी पूरी प्रक्रिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी दोस्तों आपके जहन में कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप बिंदास होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई 100% देते हैं। और बाकी दोस्तों अगर आपको कोई अदर वीडियो चाहिए आरएसटीटी पे कोई स्पेशल टॉपिक पे तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो लेके आएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट कर दो अगर कोई भी आपका सवाल है, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जिसके साथ कुछ गलत हुआ है आरएसटीटी सर्टिफिकेट के अंदर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।